ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। भोले बाबा की नगरी भरमौर में माता भरमाणी मार्ग पर एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना उस समय की है जब मणिमहेश यात्रा के लिए श्रद्धालुओं से भरी यह गाड़ी भरमौर के माता भरमाणी मंदिर जा रही थी। सुबह करीब 9 बजे यह गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों और घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद से चालक का अब तक कोई पता नहीं चला है। फिलहाल घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनके इलाज के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इस हादसे ने मणिमहेश यात्रा में आए श्रद्धालुओं के बीच दहशत फैला दी है और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार भाजपा द्वारा बुलाए गए बंद का समर्थन नहीं करती। ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा ने कभी भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा नहीं मांगा। हमने कल नबाना अभियान रैली की तस्वीरें देखी और मैं स्थिति को अच्छी तरह संभालने के लिए पुलिस को सलाम करती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि आज का दिन हमने आरजी कर डॉक्टर को समर्पित किया है। हम न्याय चाहते हैं, लेकिन भाजपा का मकसद न्याय नहीं बल्कि बंगाल को बदनाम करना है। ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले हफ्ते राज्य सरकार विधानसभा का सत्र बुलाएगी, जिसमें बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित करने वाला विधेयक 10 दिनों के भीतर पारित किया जाएगा। हम यह विधेयक राज्यपाल के पास भेजेंगे। अगर वह इसे पारित नहीं करते हैं तो हम राजभवन के बाहर धरना देंगे। यह विधेयक पारित होना ही चाहिए और इस बार राज्यपाल जवाबदेही से बच नहीं सकते, उन्होंने दृढ़ता से कहा। इस बयान से ममता बनर्जी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर हैं और भाजपा की नीतियों का विरोध करते हुए न्याय के लिए लड़ने का इरादा रखती हैं। जामनगर शहर और जिले में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में वार्ड नंबर 2 के पुनितनगर इलाके का नाम सामने आ रहा है, जहां हालात बेहद गंभीर हैं। यहां घरों के आसपास पानी बढ़ने के कारण लगभग 50 लोगों को बचाव दल की मदद से सुरक्षित निकाला गया। इस आपात स्थिति में विधायक रीवाबा खुद मौके पर पहुंची और बचाव कार्यों में शामिल रहीं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए प्रशासन ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। अपनी रिहाई के बाद के कविता आज अपने भाई केटीआर के साथ दिल्ली से हैदराबाद के लिए रवाना हुई। यह फैसला उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए राहत की खबर लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वह जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगी। आखिरकार कोर्ट के आदेश के बाद उनकी रिहाई हुई और अब वे हैदराबाद लौट रही हैं। हैदराबाद पहुंचते ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी घर वापसी पर पार्टी के समर्थक उत्साहित दिखे और उनके स्वागत के लिए जमा हुए। इस स्वागत समारोह में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी और समर्थन का इजहार किया, जबकि के कविता ने सभी का धन्यवाद अदा किया। यह स्वागत उनके संघर्ष और मेहनत की पहचान के रूप में देखा जा रहा है। यमराज ने आयोजित की लॉन्ग जंप प्रतियोगिता, अनोखे तरीके से जताया विरोध। उडुपी में गड्ढों की समस्या को लेकर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें यमराज ने गड्ढों पर लॉन्ग जंप प्रतियोगिता का आयोजन किया। स्थानीय लोगों ने यमराज और चित्रगुप्त की वेशभूषा में गड्ढों पर लंबी छलांग लगाकर प्रशासन को एक खास संदेश दिया। यह अभिनव विरोध प्रदर्शन सड़कों की खस्ता हालत और गड्ढों की गंभीरता को उजागर करने के लिए किया गया। प्रदर्शनकारियों ने गड्ढों की गहराई और चौड़ाई को नापने के लिए लंबी छलांग लगाई, जिससे प्रशासन का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर खींचा जा सके। इस अनोखे तरीके से विरोध कर रहे लोग प्रशासन से त्वरित मरम्मत और सुधार की मांग कर रहे हैं।